डॉक्टर साहब म्यूजिक अच्छा लगा? हाँ म्यूजिक अच्छा लगा डॉक्टर साहब? भाई अब क्या चाहते हो? गुड क्वेश्चन. मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि आप मुझे बताएं कि आपका राज्य प्लस्तर के साथ क्या लिंक है. कौन प्लस्तर? मुझे कुछ पता नहीं बाबू भाई, मैं नहीं जानता. लगता है डॉक्टर साहब आप और म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं. नहीं 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 बाबू भाई नहीं, मैं कसम खा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता मुझसे क्या पूछ रहे हैं. मैं किसी प्लस्तर प्लस्तर को नहीं जानता. मैं तो ये नाम भी पहली दफा सुन रहा हूं. प्लस्तर ये क्या नाम है? Come on. Very nice. तो आप नहीं बता रहे? नहीं बाबू भाई नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं. मैंने तो बस बबर शाह की जान बचाई, नेकी की. अब ये मेरी नेकी का मुझे सिला दे रहे हैं. अपनी नेकी का सिला तो आप प्लास्टर से ले चुके होंगे ना? तब मैं बाबू भाई अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मुझे नहीं पता प्लास्टर कौन है. डॉक्टर साहब आप इतने बड़े सर्जन हैं शहर के, लोगों से बिना मतलब के एक मिनट के लिए भी आप नहीं मिलते, और बिना किसी के कहे आप रोजाना 32 किलोमीटर खुद चलकर डेरे पर आते थे. क्यों, किसके कहने पर? वो तो अब ठीक कह रहे हैं, उसमें मेरा अपना लालच था. मुझे लालच था कि बबर शाह बड़ा गैंगस्टर है और असर रसूख वाला बंदा है. आज मैं उसकी मदद करूंगा तो कल जरूरत पड़ने पर वो मेरी मदद करेगा. बाबू भाई मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया कि आपने मेरी ये हालत बना दी है. मुझे जाने दे बाबू भाई प्लीज, मेरे छोटे छोटे बच्चे प्लीज. रिलैक्स डॉक्टर साहब. अब आप मुझे बताएं कि जिस रात हम शाहजी को हॉस्पिटल लेकर आए थे, उस रात हॉस्पिटल में वो बुरके वाली औरत कौन आई थी? कौन कौन औरत? शाहजी आपका हुक्म सर मत्थे पे, लेकिन मुझे आपकी बात समझनी है. देख बेटे, एक गलती प्लस्तर ने की है, अब दूसरी गलती हम नहीं कर सकते. हम कई सालों से लड़ रहे हैं, जीता कौन? न वो न हम. जीत तो किसी की भी नहीं हुई, मगर दोनों तरफ से कितने बंदे मारे गए. देख, हम अमन चाहते हैं, हम यतीम बच्चों की जमीन वापस लेंगे. देखो, पहले भी तो हमने जीवन नगर की जमीन का केस जीता था ना,
जीता था कि नहीं? जीता था। ठीक है शाहजी, जैसे आपका हुक्म, मैं अपने बंदों को रोक देता हूं। वाह ए, बड़ी तकरीर जा रही है। बब्बर शाह कम कासिम अली शाह ज्यादा लग रहा था है? पिल्ले, तुझे तरस नहीं आता इन मस्कीन लोगों पे? हम पहले भी अमन चाहते थे, अब भी अमन ही चाहते। अच्छा बिल्ले, मेरी बद्दुआ है तो फायर करे गोली, यू टर्न ले ले। और ये ना बीच बीच में ना तेरे लाले निकल आता है, उसको दबा के रखना, कमर में ऐसे सरिया डाल के रख। बाबू भाई, अस्पताल है वहां हजारों लोग आते जाते हैं, मर्द औरतें सभी। मैं एक सर्जन हूं, मुझे बता किस औरत की बात कर रहे हैं? देख डॉक्टर, तेरे पास दो रास्ते, तू मुझे सच सच बता दे कि जिस रात हम शाहजी को अस्पताल लेकर आए थे तो तुम लोगों ने वहां क्या किया था। अगर तू सच बोलेगा तो तेरी और तेरे खानदान की हिफाजत की गारंटी बाबू लेता है, तुम लोगों को कोई कुछ नहीं करेगा। और दूसरा रास्ता, तो पढ़ा लिखा आदमी है, तुझे समझाने की जरूरत नहीं है, प्लस्तर तक खबर जा चुकी होगी। मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा और प्लस्तर तुझे मार देगा। बाबू भाई, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है डॉक्टर साहब, आप म्यूजिक एंजॉय करें। नहीं 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 बाबू भाई, प्लीज प्लीज बाबू भाई, ये ना लगा रहे बाबू भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। चल बस कर अब्बा, क्यों इतना रो रहा है? वो कौन सी हमारी जाती जगह थी? और वैसे भी बब्बर शाह ने कहा है ना कि वो वापस ले देगा जगह। अब्बा पानी पी। मैंने नहीं पीना पानी। पानी पी। अगर नहीं पीना पानी। अच्छा चल पी ले पानी। मुझे तो अब बब्बर शाह पर कोई यकीन नहीं है, से तो खजाने की दफा भी यही कहा था, फिर कर दी ना ज्याती, उठाकर दे दिया ना सारा खजाना मघेरों को। चल बस कर अब्बा, नहीं थी हमारी किस्मत में वो जगह, छोड़। तो फिर क्या है मेरी किस्मत में है? बता ना क्या है मेरी किस्मत में? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई, वो खजाना मिला था वो मगे दे दे गए, एक अल्लाह करके रिश्ता तय हुआ था वो भी टूट गया, वो मुझसे वो एक कबाड़ खाना बचा था उन बगैरतों ने उसने भी कब्जा कर लिया है। फिर क्या है मेरी किस्मत में? कुछ नहीं है, बस दुख ही दुख है, परेशानी है परेशानी है। ऊपर से मैं इतना टीट हूँ कि फिर भी जिंदा हूँ, इतना मर नहीं सकता कि मेरी जान छूटे इस अजाब से। अब्बा क्या कह रहे है तू? हम दोनों परेशानी की जड़ है ना, तुम मरो गुना घूट दे, नहीं तो फिर हम खुद चली जाती है नहर में छलांग लगाने। सारी जिंदगी तू बड़ा कहता रहा है हमें कि शुक्र करो सर पे छत है, दो टाइम खाने को मिल रहा है। अपने से थले वालों को देखो, उनको देखो ना जिनके पास ना छत है ना रोटी है, वो भी तो जिंदा है। आज तू मरने की बातें कर रहे हैं। किसी को मरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो पहले से ही पता था कि यही सब होना है। इसलिए जब वो बक्सा आया था ना, तो उसमें से मैंने ये निकाल लिया था। और अब आप फिक्र ना कर,
इस बारे में किसी को नहीं पता। चलो बस कर, रोना नहीं। हाँ मैं खाना लेके आऊँ? सुबह से कुछ नहीं खाया। लेकर आ तो खाना, अपनी निगरानी में खिलाऊंगी, देखती हूँ कैसे नहीं खाते। डॉक्टर, 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 ठीक है। क्या हुआ? तुमसे पूछ रहा हूं क्या हुआ? चिराग वाला हाईवे से लाश मिली डॉक्टर की। बाहर तो एक्सीडेंट लगता है, पर इन्फॉर्मेशन देने वाले ने बताया किसी बड़े ट्रक के नीचे आया है। बॉडी बुरी तरह डैमेज है और पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए लाश लेकर जा रहे हैं, और चिराग वाला हाईवे के बाहर झाड़ियों में से गाड़ी भी मिली है उसकी। चिराग वाला में कौन हो सकता है? पता नहीं यार, पर पता तो लगाना पड़ेगा ना। वहां के एक वायरस से पता करता हूं। हाँ यार, जल्दी पता लगवा। बिल्ले, बिल्ले, चांद कसाई, सेठ मुख्तार, जान सोमरो और हाजी हान सबने माल लेने से इनकार कर दिए। शाहजी से कहो उनसे बात करें, ऐसे तो धंधा तबाह हो जाएगा। नहीं होगा तबाह, अभी अपनी मार्केट पूरी अनटच पड़ी हुई है, अब इसको टच करने का टाइम आ गया। जीवन नगर में सप्लाई शुरू कर दे। क्या बात कर रहे हैं? शाहजी जान से मार देंगे। और शाहजी ने ही कहा है, हो गई है मेरी बात, और आइंदा में जो कहूं ना समझना शाहजी ने कहा है। आई समझे? ठीक है। शादी नहीं कहा है। शादी ने कहा है। धंधे में नुकसान बढ़ता जा रहा था। बिल्ला इसका यह हल निकालता है कि बब्बर शाह ने आज तक जो उसूल बना रखे थे कि किसी किस्म की गलत चीज़ की सप्लाई जीवन नगर के अंदर नहीं होगी, बिल्ला वो तमाम उसूल तोड़ देता है और अब तमाम किस्म के नशे और दो नंबर चीज़ें खुलेआम जीवन नगर में बिकने लगती हैं। देखते ही देखते जीवन नगर के लोगों के खून में यह जहर शामिल होने लगता है। पहले नौजवान नशे पर लगे और फिर उसी नशे को पूरा करने के लिए चोरी और डकैतियाँ करने लगे।
जीवन नगर मुकम्मल तबाही के दहाने पे पहुंच चुका था। आप वाकई जाने का सोच रही हैं? वजह भी तो नहीं रही मेरे पास यहाँ रहने की। ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा तबाह हो गया है, जिम में आने को कोई तैयार नहीं है, बाहर लोग पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, यूथ लहदा ड्रग्स पे लग गई है, और ये मोहल्ले वाले एक किसी औरत की बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि बब्बर शाह जो भी कर रहा है वो उनकी भलाई के लिए ही कर रहा है। नहीं, मैं अगर ये सब देखती रही ना तो मैं खुद एक दिन पेशेंट बन जाऊंगी ना। मुझे नहीं रहना यहाँ यार, सब कुछ खराब हो गया। सब कुछ खराब हुआ है ना, खत्म तो नहीं हुआ। उस दिन निदा आपी को आप यही तो समझा रही थी जब वो रो रही थी, और अब आप ही चली जाएंगी तो सब कुछ कौन ठीक करेगा? तुम नहीं समझ रहे माजिद, यार मैं अकेली हूँ और ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, मैं डील नहीं कर सकती भाई। नहीं, अकेली क्यों, मैं हूं ना, हम 11 हैं, एक और एक, और 11 लोग तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, ये तो छोटा सा जीवन नगर है। आप हंस रही हैं, मैं सीरियस हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अच्छा, और क्या करूँगी मैं यहाँ रहकर? जब मेरा बंद हो गया, भूखा मरना मैंने? भूखा नहीं मरने दूंगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे। आप इतना अच्छा समझाती हैं, जब सबको समझाएंगी तो लोग समझ जाएंगे ना। माजद, नहीं समझेंगे। समझ जाएंगे, मुझे, निदा आपी को, सलमा आंटी, बब्बर शाह, सबको आप ही ने तो समझाया है। बब्बर शाह को? तभी वो कर रहा है जो कर रहा है ना। आप ही तो कहती हैं वो बब्बर शाह नहीं है जिससे आप मिली हैं। कह तो तुम सही रहे हो, वो बब्बर शाह नहीं है। तो यही तो समझाना है लोगों को, और जब लोग समझ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप क्यों जा रही हैं? आप तो ना जाएं प्लीज, और मैंने तो आपको तंग भी करना छोड़ दिया, ना जाएं प्लीज प्लीज। अच्छा बंद करो ये ड्रामे, सोचने दो मुझे कुछ। अच्छा भाई आप सोचें। अरे मैं तो एक्सरसाइज करने लगा हूं, सोचें हैं। सलाम बाबू भाई। वालेकुम सलाम। बहुत दिनों बाद याद किया। हाँ हैरी, कुछ ज़रूरत पड़ गई तुम्हारी, और काफ़ी अशद ज़रूरत है। वो तो नज़र आ रहा है, ऑर्डर लगाएं आप। हैरी मुझे नाइक हॉस्पिटल की CCTV फुटेज चाहिए, 12 से 22 तारीख के दरमियान, अंदर बाहर हर एक कैमरा। हो जाएगा बाबू भाई, और जैसे काम मुकम्मल होता मैं आपसे खुद रब्ता करूँ। ठीक है, ख्याल रखें अपना, ध्यान से। इजाज़त। मिल गया। ओए ये किधर से मिला है, चोरी किया तूने? और क्या, पता भी नहीं लगा किसी को। यार चोरी करके इतना खुश हो रहे हो, चोरी करना बहुत बुरी बात है, तोबा तोबा। आपसे सीखा, केलू कुमार का गधा चोरी करने के बाद भी आप इतनी खुश थी। ओ हेलो, मेरे से इतना चालाक बनने की जरूरत नहीं है। और बात सुनो, उसका नाम गधा नहीं है, उसका नाम है प्रॉपर दारा। जी जी बिल्कुल, उसका नाम दारा है और वो बहुत प्यारा है। यार लाओ जरा देखें। इसमें बारफीक ने जीवन के सारे लोगों का रिकॉर्ड रखा है, सबके फोन नंबर। फैंटास्टिक, मैं तुम्हें बता रही हूँ ये वेरी गुड हो गया है। लेकिन ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? गली गली में चोर है, बब्बर शाह चोर है। और रहन दे इड्डा, तू कुछ डिसेंट होना चाहिए। सेव दी जीवन नगर। हाँ ये ठीक है। नहीं ठीक नहीं रहेगा, ये बहुत ठीक रहेगा। खाओ जरा। लेकिन एक मसला है, पढ़ना तो सबको नहीं आता। ऑडियो मैसेज डाल सकती हूँ मैं, लेकिन नहीं, मेरी आवाज़ पहचानी जाएगी जी। हाँ
तो वॉइस चेंजर ऐप से पहले आपको मैसेज रिकॉर्ड करवा लेंगे, फिर ग्रुप में डाल देंगे, सिंपल। यार एक मिनट, तुझे कैसे आता है ये सब कुछ, कहाँ से सीखा है? आप मेरी फिल्मों की चॉइस को बुरा कहती थी, वहीं से सीखा। वो ड्रामे हो भाई। हाँ। ओह गॉड। अच्छा यहाँ है, इससे बनाएंगे। अब ये क्या है, कहाँ से आई, किसके नाम पर है? पता नहीं, मुझे तो स्कूल में एक दोस्त ने दी थी, उसको भी पढ़ी मिली थी लेकिन चलती है। अगर ये चलती है ना बच्चू, सब चलता है। इसको तुम संभाल के रखो अपने पास। अब दिखाओ जरा मुझे रजिस्टर, देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। सब कुछ ना अब बहुत कंट्रोल में आएगा। इसको मैसेज करेंगे, जाफेदान। ओ अस्सलाम वालेकुम बड़े कारोबारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ओ अच्छा, ये लें। कैसे तबीयत वगैरह, कारोबार सही है, घर में सब खैरियत? अच्छी बात है, जरा हटना थोड़ा। ओ बिल्ले क्या कर रहे हो बिल्ले भाई? बताते हैं, सब्र करो। असल में आपको तो पता है, प्लस्तर ने जो है ना वो जीवन नगर पे कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले वो जो हनीफ कबाड़िया था उसका कबाड़खाना गया, फिर वो कच्ची लाइन वाले घरों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। हमारे अंदाजे के मुताबिक ना कोई बार का बंदा उसके साथ मिला हुआ है, तभी तो इतना असला है उसके पास। अब शाहजी ने कहा है कि अभी उस पर जो है ना हमला नहीं करना, या तो हमारे पास असला उतना हो या फिर कानूनी कार्रवाई करें। अब दोनों कामों के लिए चाहिए पैसा। अब देखें ना, अगर काम ये जीवन नगर वालों का है तो थोड़ी सी हिम्मत भी जीवन नगर वालों को करनी पड़ेगी। मगर ऐसे तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, और आप फिक्र ना करें, आप कल्ले से थोड़ी लूंगा, पूरी मार्केट से लेता हुआ आ रहा हूँ हैं। और अब आगे से ना हर महीने की पहली तारीख को ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 बस सिर्फ 5,000 जो है ना वो आप तैयार रख, मेरे लड़कों में से कोई आएगा उसको दे देना। अब आप समझदार हैं, आपको ये कहने की जरूरत तो है नहीं कि अगर पैसे ना दिए तो जीवन नगर में कारोबार नहीं कर सकते आप। शाहजी का हुक्म है, पूरा तो करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुंह लटका के खड़े, आखिर है तो बच्चे ही ना, चाहे कुत्ते के क्यों ना। ये लो शाबाश। और हर वक्त गुस्सा ना किया कर ले। ये ले अपनी चाय। थैंक यू। आप ही, तू भी ऐड है इसमें, ये ग्रुप बनाया किसने? सेव द जीवन नगर। इसमें तो निदा भी है, आंटी बिल्कीस, बाजी नजमा, चाची सलमा और तो और पारफीक भी है। मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा जीवन नगर ही है इसमें। हाँ मैंने भी देखा कि सभी हैं, तो फिर मैंने भी लेफ्ट नहीं किया। कमाल है। देख एडमिन का मैसेज भी आया, आ जा सुनते हैं। ले। ओए होए 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 क्या हुआ रफीक भाई? ये नंबर तो मेरे अलावा किसी के पास नहीं है, ये इल्जाम तो सीधा सीधा मुझ पर आएगा। कौन सा इल्जाम, क्या हुआ? जीवन नगर के तमाम वासियों को अस्सलाम वालेकुम, और हमारे ग्रुप सेव द जीवन नगर में खुशामदीद। आप सब जानते हैं कि जीवन नगर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। रोज मुख्तलिफ बरादरी के लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, चोरी, डकैती, भत्ताखोरी बढ़ती जा रही है, नौजवानों में नशे की आदत तेजी से फैल रही है, दो नंबर अशिया खुलेआम बिक रही है और अस्पताल भर रहे हैं।
बाहर से लोग आकर जीवन नगर की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही अरसे में जीवन नगर रहने के काबिल नहीं रहेगा। ये सब कौन करवा रहा है ये जानने के लिए अगले मैसेज का इंतजार कीजिए। और एक जरूरी बात और, अगर आप जीवन नगर बचाना चाहते हैं तो ये क्रू मत छोड़िएगा। शुक्रिया। कौन था ये? पता नहीं। कौन करवा रहा है ये सब? पता नहीं, तुम लोगों में से जो कोई नहीं है ये? नहीं नहीं रफीक भाई, हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। और रफीक, एक मोबाइल ही दे दे, पुराना सस्ता। पायल कहेगी तो दे दूंगा। नहीं नहीं चाहिए मोबाइल हमें। अच्छा ठीक है, मोबाइल चाहिए तुझे? दो उल्टे हाथ का मोबाइल तुझे? कान खुल के सुन लो सारी, किसी ने पाई रफीक से कोई फरमाइश नहीं करनी है। जी नीलम जी। और खास तौर पे तूने। जी नीलम जी। नजर अच्छी नहीं है इसकी, ध्यान रखा कर। पता है मुझे बाजी में कहा। ये खालिद नेका कह रहा है कि हम सबको मिलके जीवन नगर को बचाना है, ये गुड है। अच्छा अगला बढ़ते हैं। तारिक मगेरा कह रहा है कि जीवन नगर का कुछ नहीं हो सकता। भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, इतना कोई होपलेस आदमी है ना ये। अच्छा बबलू, बबलू भी कुछ कह रहा है, एक मिनट। ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। पढ़ लिया। अच्छा ये खालिद का वॉइस मैसेज भी तो आया, वो तो पढ़े। हाँ हाँ। ओ भाई तू है कौन है? पहले अपने बारे में ते दस ना, एवें जीवन नगर दा मामा बन गया है। पता ही कोई और भी कह रहा है कि हु इज द एडमिन, तो एडमिन का नाम अपडेट कर देते हैं ना, इसमें कौन सा मसला है? एक मिनट एक मिनट, ये नंबर जो है ना ये सेव नहीं है, मगर ये कह रहा है कि जीवन नगर को बचाने वाला अब रहा नहीं। इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ हम ख्याल लोग ही मौजूद हैं। बिल्कुल यार, इतनी भी अन्नी नहीं पड़ी बच्चू। अच्छा एक आखिरी वॉइस नोट है, ये भी सुन ले एक दफा। ये लो ये लो। एक भाई और जान से ये प्लास्टर की गेम ना हो। नहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू। ये तो होगा यार। ऐसे एक बात अच्छी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारी साइड पर हैं, लेकिन वो खौफ की वजह से ना सामने नहीं आ रहे है ना। कुछ करते हैं इनका भी। एडमिन का नाम सोचो। बहू भाई 12 से 16 की फुटेज नहीं है, ना तो अंदर वाले कैमरे में ना ही बाहर वाले कैमरे में, और जो मौजूद है या तो वो उससे पहले की है या तो उससे बाद की है। ये इस पेन ड्राइव में। मेरा शक ठीक निकला, ये रखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे एक काम करो। हाँ। नायक हॉस्पिटल के बाहर वो जो चौक है ना, हाँ, उसके कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चाहिए 12 से 16 तारीख के दरमियान की, वो निकल आएगी। 12 से 16 निकल आएगी, निकल आएगी। गुड, सुनो ये जल्दी करना है क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। डोंट वरी बाबू भाई, हो जाएगा सब। थैंक यू हैरी। बाबू भाई थैंक यू ना कहा करें, आज मैं जो भी हूँ जहाँ पे भी हूँ आप ही की वजह से। ध्यान से मैं बताता हूँ आपको। रमजान भी पता चला यार, वो किसने बनाया है ग्रुप? नहीं भाई, लो जी 2830 हो गए। इतने कैसे बन गए यार? घी कितने का लगाया? 340 रुपए। यार बड़े कारोबारी तू तो बहुत ही लूट डाल रहा। मैं लूट डाल रहा हूँ?
और दो नंबर माल बेच रहा है वो, मेरे पास एक नंबर माल है, ऊपर से उसका बेटा मिला हुआ बिल्ले के पास, महीने का बता नहीं देना पड़ता ना उसे, कमाल हो गई यार। इसका मतलब है कि पूरे महीने का बता मुझसे ही लेना है आपने? नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, मैं छोटे कारोबारी से ले रहा हूँ। यार बात सुन, नहीं, नहीं, बस, मैं जाता हूं। 310 रुपए लगा लेता हूँ, सुन ले जितने कहेगा उतने कर लूंगा यार, उस रुक तो। लो ये बुजुर्गो, लगाओ यहां अंगूठा, एक दो तीन, लो जी बुजुर्गो, अब आपका मकान हो गया मेरे इस बंदे का, ले पुत्र मुबारक हो। देखे बुजुर्गो, आपने ये घर अपनी मर्जी अपनी मंशा से बगैर किसी प्रेशर के इसके नाम कर दिया, बेच दिया इसको, अगर आपने कुछ लेना है तो हम हाजिर हैं, वरना मेरे बंदे आपका सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। आप हमसे तावन करो, हम आपसे तावन करेंगे, मेरे बंदे आपका सामान पैक करेंगे, लोड करेंगे, अनलोड करेंगे, आप कहेंगे ना तो आपके लिए कोई अच्छा सा घर भी ढूंढ देंगे किराए पे। राजा प्लस्तर बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता है, और कोई हुक्म मेरे लायक मैं हाजिर। ओए मुंडे हो, इज्जत के साथ बुजुर्गों को लेकर जाओ, बाहर तक छोड़ के आओ, जाओ ले जाओ, जाए जी जाए। तुम लोगों ने चेक किए ग्रुप के एडमिन ने नाम अपडेट किया? क्या नाम? MM NM NM जी। ओ ये कैसा नाम है? MM मतलब मुदामाची। राजा मुदामाची उर्दू की अलीबे पे का नहीं पता, और बात किसकी कर रहा है? MM की। ओए आवारा गर्दो, ओ सारा दिन बोंगियां ही मारते रहते हो, कोई लिखाई पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो देते हो? ओ चाचा कैसी बातें कर रहा है, और तुझे पता ही नहीं है मैं सारी रात पढ़ाई करता हूँ। ओ क्या पढ़ाई करता है तू? मोबाइल पे मैसेज पढ़ता है। दूर फटे मुंह ताडा। ओए अच्छा यार बता ना यार, ये कौन हो सकता है? ये MM MM मामा मनीर? नहीं मामा मनीर, मस्कीन वगैरह हो सकता है। मोहम्मद माजिद? पर नहीं यार वो तो बच्चा है अपना। वो कैसे? वो अपना बच्चा है। और कौन है जीवन नगर में यार? MM मिस्टर मकबूल। मिस्टर मकबूल? लो जी मिस्टर मकबूल, फिर इसी हिसाब से तो मिस मुन्नी भी हुई ना। काश इसी चक्करों में ना मैंने फोन करके भी देखा था, फिर आगे से ना किसी पाइप में घूम रहा है, पहले फोन बात कर। मैसेज आ गया। जीवन नगर के तमाम वासियों को सलाम, और हमारे ग्रुप सेफ द जीवन नगर में खुशामदीद। मैंने पिछले मैसेज में आप सब से कहा था कि अगर आप लोग जीवन नगर को बचाना चाहते हैं तो ग्रुप को मत छोड़िएगा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से किसी एक ने भी ग्रुप को नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि आप जीवन नगर को बचाना चाहते हैं। जीवन नगर को बचाने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जीवन नगर को इस हाल में पहुंचाया किसने। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो वो शख्स आपके सामने है। किसी भी जगह पे अच्छाई और बुराई का सबसे बड़ा जिम्मेदार वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। आप सोचिए कि जीवन नगर में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, कौन था जिसने हमेशा अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया और आप सबको एक मुट्ठी की तरह मजबूत बना के रखा? कौन था जिसने आप सबको आपस में लड़ने नहीं दिया? कौन था जिसने आपको बाहर के दुश्मनों से बचाया? कौन था जिसने किसी कमजोर के साथ ज्यादती नहीं होने दी? कौन था जिसने जानवरों तक का ख्याल रखा? आज वही शख्स आप सबको लड़वा रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए असलहा दे रहा है, अपने फायदे के लिए आपके बच्चों को हर तरह का नशा मुहैया कर रहा है। ये शख्स जिस दुश्मन का खौफ देकर आपसे भत्ता ले रहा है, उसी दुश्मन से हमारी जमीनों पर कब्जा भी करवा रहा है। गौर कीजिए, आपका मुजरिम
आपके सामने है। मुझे यकीन है कि आप अब तक अपने मुजरिम को पहचान चुके होंगे। अब हम सबको करना क्या है ये जानने के लिए आप मेरे अगले मैसेज का इंतजार कीजिए। और वही एक जरूरी बात, अगर आप जीवन नगर को बचाना चाहते हैं तो ये ग्रुप कभी लीव मत करिएगा और उसको लाइक फॉलो और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एमएम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एमएम कौन है? पता नहीं भाई। और पता नहीं है तो पता कराओ ना। और बगे और कोई बकवास कर रहा है शाहजी के खिलाफ, तू यहाँ खड़ा हुआ है, पता करा और ढूंढ के ला, सीधा करें उसे। करा लेते हैं पता। अब वो क्या देख रहे हो, जाओ जाके पता करो। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।